कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते रोज कमाकर अपना जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों पर इसका असर पड़ रहा है। अब उनके सामने दो वक्त के खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे परिवारों के लिए शासन तो मदद कर ही रहा है, लेकिन कुछ समाज सेवी लोग भी दिल खोलकर उनके लिए मदद कर रहे हैं। उनमें से ही एक है समाज सेवक अनुराग चतुर्मोहता, जो लॉकडाउन के शुरुआत से ही निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रहे हैं और इस महामारी में गरीब असहाय व जरूरतमंद लोगों के लिए मसीहा बने हुए हैं। द्वारा 27 मार्च से निरंतर पहले 14 अप्रैल प्रथम लक्ष्य हमारा 3000 परिवारों को, ऐसे सूक्ष्म असहाय परिवारों को, सूक्ष्म मध्यम वर्गीय परिवारों को अनाज पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। फिर उसके बाद लॉकडाउन आगे बढ़ा तो आज लगभग 3 मई तक का हमारा लक्ष्य, जिसमें हमारे द्वारा बालाघाट और लालबर्रा से जुड़े हुए जितने भी इंटीरियर से लेके शहर, गाँव और ग्रामीण क्षेत्रों के अति सूक्ष्म गरीबी रेखा के लोग हैं, उन तक अनाज पहुंचाने का निरंतर कार्य हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है। लगभग अभी तक हमारे द्वारा 10,000 से अधिक पैकेटों का वितरण किया जा चुका है। उस पैकेट में चावल है, दाल है, शक्कर है, तेल है, इसके अलावा आटा है, सैनिटाइज़र है, साबुन है, बिस्किट है, और इसके अलावा हम रोज़ की 2 किलो फ्रेश सब्जी और 1 किलो सलाद के रूप में ककड़ी, साथ में नमक और मिर्ची, ऐसे करके लगभग 9 से 9.5 किलो का हमारा एक पैकेट बन रहा है, जिसको हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उस हितग्राही तक पहुंच सके जिसको इसकी अति आवश्यकता है। लगभग हमें कितनी पंचायतें हैं? 91 पंचायतें हैं हमारे यहाँ पर बालाघाट और लालबर्रा में, और साथ ही साथ 33 वार्ड हैं। ऐसे करके 124 यूनिट में लगभग ऐसी कोई जगह शेष नहीं है जहाँ हमारे पास हमारे द्वारा अनाज वितरण नहीं किया गया है। साथ ही साथ जैसे एक आज के युग में स्विगी का, जोमेटो का भी युग है, तो हमारे द्वारा अपने नंबर प्रदान किए गए हैं, हमारे जो लोग हैं वो हमको मैसेज में अपना एड्रेस मुहैया करा रहे हैं, और हमारे द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हमारे द्वारा उनके घर तक उस अनाज को पहुँचाने का कार्य पूरी ताकत से किया जा रहा है। लगभग कितना लक्ष्य है? लक्ष्य तो कुछ नहीं है, लक्ष्य ऐसा है, ईश्वर दे रहा है, जब तक ताकतें करेंगे और जब तक भी लॉकडाउन है, 3 मई तक का अभी लॉकडाउन है, 3 मई तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि लगातार ये क्रम में अनाज का वितरण होता रहे। और सामाजिक रूप से मेरा तो ये निवेदन है कि सभी लोगों को आगे आकर इस तरीके का काम करना चाहिए, क्योंकि ये दुआएँ हैं जो बड़ी मुश्किल से मिल